Today, we have with us Gautam Bharadas, a traveler from Delhi, India, uh, who is staying with me in Kulna. Uh, Gautam has graciously agreed to share his travel experiences uh, and inspiration with us. Uh, as a part of our ongoing series, uh, where we host travelers uh, and record their stories will delve into Gautam's journey. What inspired him to travel and why he chose Bangladesh? We'll also uh, try to know about his experiences here. So Gautam, welcome you. Welcome to the show. Thank you brother. Uh, what inspired you to start traveling? Mm -hmm. आई स्पीक लाइक इंग्लिश और हिंदी एंड सो आई थिंक हिंदी ही मैं ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगा तो uh, तो देखो इंस्पायर का तो कोई ऐसी बात नहीं है बट बचपन से मुझे काफ़ी शौक़ था कि मैं भी थोड़ा बाहर जाऊँ और पहले में मैं भी बाइव मैं दिल्ली से हूँ जिसे भाई ने बताया और दिल्ली में भी कई टूरिस्ट प्लेसें हैं बट दिल्ली में, में भी नहीं जा पाता था एंड थोड़ा डर थोड़ा सा फैमिली वो ये वो फिर मैंने देखा कि क्या, मतलब दिल्ली में इतना दिक्कत हो रहा है तो मैं भारत में कि, भारत कैसे घूमूंगा दिल्ली के बाहर ही और भारत के बाहर तो फिर और जाना मुश्किल हो जाएगा मैंने वही थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर यूट्यूब में कई वीडियो देखा कि भाई घूमना तो बहुत आसान है उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं तो मैंने और मैंने करा रिसर्च कि भाई पहले खुद में हिम्मत लाना पड़ेगा जब भी हम बाहर जा पाएंगे वरना तो बहुत मुश्किल है तो वही पे दिल्ली में कुछ एरिया में ख़ुद से एक्सप्लोर करा अकेले गया यहाँ वह इंडिया गेट जैसे दिल्ली में बहुत फेमस है इंडिया गेट कुतुब तो मीनार अकेले चला गया उसके बाद फिर थोड़ा हिम्मत आ गया फिर वहाँ से मुंबई चेन्नई किसी नई नई सिटी में जाते रहा और हिम्मत आ गया फिर देखा कि यार मतलब ये अच्छा है और मैं कर सकता हूँ तो डे बाई डे मेरा वो इंक्रीज होते गया फिर मैं आगे निकलते गया तो ये इंस्पायर तो मतलब हो ही जाते हैं ई डीड यू चूज बांग्लादेश फॉर योर ट्रैवल्स यार बांग्लादेश के बारे में मेरे बुक्स में मैंने कई बार में पढ़ा था बट अभी तक मैं यहाँ पर आया नहीं तो मुझे लिखा कि यार मेरे पास में देश है मेरा नेब देश है और अगर इतिहास देखा जाए तो हम सब एक ही हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बट मुझे लिखा कि बांग्लादेश जाना बहुत कठिन होगा वहाँ पर वीजा बहुत प्रोसेस बहुत कठिन है हमारे लिए चीज नहीं है बट मैंने थोड़ा तो रिसर्च करा तो ये बहुत आसान है मतलब बांग्लादेश आना और अभी भी हमारे इंडिया में मतलब ऐसे लोगों के मन में है कि बांग्लादेश जाना आसान नहीं है बहुत कठिन है बट मुझे ऐसा नहीं लगा बहुत आसान है और यहाँ के इतिहास यहाँ का संस्कृति हमारे इंडिया में पश्चिम बंगाल नाम के स्टेट है तो उसका ही पूरे हमें मुझे मिला झलक जैसे वो है वैसे अपना बांग्लादेश तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके और जैसे इंडियन फेमस है पूरे वर्ल्ड में वैसे बांग्लादेश भी काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में कि हॉस्पिटल हॉस्पिटेलिटी के फ्रेंडशिप काफी अच्छा लगा मुझे यार हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन इन बांग्लादेश सोफ़ा सोफा सोफा ओके हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन इन बांग्लादेश सोफ़ा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो यार मतलब काफ़ी अच्छा लगा मैं यहाँ पे अब तीन चार सिटी में एक्सप्लोर कर पाया लाइक ढाका सबसे फेमस सिटी है यहाँ का ढाका उसके बाद में गए थे जयपुर हाट वो वो आए थे वो नॉर्थ बांग्लादेश में आई राइट नॉर्थ बांग्लादेश तो वहाँ पर गया था उसके बाद में खुल आया ढाका मुझे काफ़ी अच्छा लगा ढाका में इतना भीड़ भाड़ देख के तो मेरा मन मुझे बहुत खुशी हुआ मतलब <laughs> कुछ नया मिला मुझे वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगा उस पर जयपुर हाट में हम किसी शादी में गए थे और मतलब हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त भी थे तो वहाँ भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया मतलब बहुत अच्छा लगा उसके बाद कुरने नाम आया तो यहाँ भी अच्छा ही है कैन यू शेयर अ मेमोरेबल मोमेंट और एक्सपीरियंसेस फ्राम एक्सपीरियंस यार मैं मतलब वही बताऊँ ढाका के बारे में ढाका मैंने मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होते हैं बट इतना भीड़ भाड़ होगा ये मैंने सोचा नहीं, <laughs> नहीं था यहाँ पे मतलब बाइक से जाओ बस से जाओ और ऑटो से जाओ रिक्शा से जाओ आपको टाइम लगना है आप टाइम से नहीं पहुँच पाओगे तो ढाका में आके मतलब एक यूनिक पिलर मुझे एक्सपीरियंस प्लस यहाँ पर देखा कि कुछ है ना जैसे जब मैं गया था उज्बेकिस्तान उजबेकिस्तान वहाँ पे गर्ल्स बेसिकली बहुत ओपन है वहाँ पे कोई भी आप वीडियो में आके आपके आएगी कि मुझे वीडियो में नहीं बट यहाँ पे उसे देखा कि वहाँ पर उतने ओपन अभी नहीं हुए <coughs> मैं एक दोबारे से वीडियो बना रहा था कोई थे कब पर वीडियो बना रहा हूँ मतलब बना रहा था वो उसने अपने मतलब उसके साथ जो थी उसके मतलब फेस पे हाथ रख दिया मुझे लगा कि ये कैसे नहीं मैं वीडियो अपना बना रहा हूँ <laughs> दिक्कत ही नहीं हो रही है तो लगा कि मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे उतने ओपन नहीं हुए अभी शायद जैसे ओपन अपने यूरोप में है या रशिया में है ओके यही एक्सपीरियंस है हाउ मनी कंट्रीज है उतना तो अभी नहीं हुआ बट तीन चार ये मेरा फोर्थ कंट्री आप कह लो इसके से पहले गया था उजबेकिस्तान फिर गया था किर्गिस्तान फिर गया था माटिस्तान जहाँ पे वहाँ गया था और फिर अपने mm -hmm. बांग्लादेश नेपाल का प्लानिंग है मेरा भी मतलब मैं बहुत जल्द नेपाल जाऊँगा बट ये चार घंटे है मेरा भी एज अ सीजन ट्रेवलर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर्स हु आर कंसीडरिंग एम्बारकिंग ऑन देयर ओन जर्नीस मतलब मैं अपनी जर्नी से डू हैव एनी टिप्स फॉर दर ट्रैवलर्स आर ट्रैवलिंग आर यार देखो मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि देखो वो सब सबको सबको डर होगा ऐसा नहीं कि मतलब अभी मन में है कि अभी बेक उठा के जाओ बाहर वो या, वो भाई मुश्किल है बहुत मुश्किल है आपको स्टेप बाय स्टेप ही आपको, आपको चलना पड़ेगा जिससे हम वे हमारे जितने भी सब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं अचानक आपसे कुछ भी नहीं होगा पहले जहाँ पो सिटी में अपना अकेले जाओ अकेले जाओगे अकेले जाओगे तभी आप कुछ नया सीख पाओगे ग्रुप में जाओगे ग्रुप में उतना आप नहीं सीख पाओगे तो अकेले जाओ जहाँ रहते हो उसी सिटी में आसपास एक्सप्लोर करो फिर सिटी से बाहर जाओ फिर अपना देश पहले घूमो उसके बाद तो बाहर जाओ लेकिन आपको उठना पड़ेगा यार इसमें तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा आप सीखो जितने भी सोलो सोलो ट्रेवलिंग बहुत है अभी तो यार अपने इंडिया में भी है बांग्लादेश में भी कहीं हैं तो आपको तो खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा और आप मैं इतने बढ़ूँगा कि आप घर से बाहर निकलोगे खुद ही आप सीखते जाओगे घर में रहोगे तो बहुत मुश्किल है we have had the pleasure of hearing from gautam bardas uh, about his inspiring journey as a traveler his choice to visit bangladesh and his experiences uh, here in kolna and other cities uh, we are grateful to him for taking the time to speak uh, with us and sharing the insights and experiences with us join us next time uh, as we continue to explore the stories of travelers uh, from around the world and thank you thank you for your time thank you by thank you by a thank you so much for inviting me yeah you're always welcome